हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं माखंडी हलवा, जो कि टेस्ट एंड टेक्सचर में बिल्कुल डिफरेंट होता है। होता तो ये सूजी के हलवे का ही वर्जन है, लेकिन उससे थोड़ा डिफरेंट होता है, बहुत ही स्वादिष्ट बनता है। चलिए तो देखते हैं। हमने एक कटोरी सूजी, एक कटोरी चीनी, कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हुए हैं, 2 चम्मच बेसन लिया है, 400 ग्राम दूध लिया है। ये मैंने एक पैन गरम किया है, जिसमें मैंने एक कटोरी चीनी जो है डाल दी है, उसको गरम होने के लिए रख दिया। जैसे हमारी चीनी पिघलने लगती है, चीनी को हम कैरमलाइज करेंगे तो इसका कलर जो है बिल्कुल चेंज हो जाएगा। जैसे ही इसका कलर चेंज होने लगता है, चीनी पूरी तरह से डिसॉल्व हो जाती है। अब आप देख सकते हैं कि जो हमारी चीनी अच्छे से मेल्ट हो गई है और उसका कलर भी चेंज हो गया है। अब इसमें हम 2 गिलास के करीब दूध ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से चलाते रहेंगे, ताकि ये चीनी जो है अच्छे से दूध के साथ मिक्स हो जाए। इस प्रोसीजर में थोड़ा टाइम तो लगता ही है, पर दूध जो हमारा जो मखंडी हलवा बनता है उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है और कलर भी अच्छा आता है उसका। अब इसके बाद जैसे ही हमारा ये दूध बॉयल होने लगे, एक अच्छा सा उबाल आने लगे, वैसे इसको बंद कर देंगे। अब यहाँ मैंने दूसरी कढ़ाई गर्म होने के लिए रख दी है और उसमें 1 कटोरी घी डाल दिया है। यहाँ चॉप किए हुए काजू एंड बादाम को मैं अच्छे से इसमें रोस्ट कर लूँगी। जैसे ही ये क्रिस्पी हो जाए और उनका कलर चेंज हो जाएगा तो हम इनको बाहर निकाल लेंगे। इसके बाद किशमिश जो ली है मैंने थोड़ी सी, वो भी मैं इसमें घी में अच्छे से रोस्ट कर लेते हैं। और जैसे किशमिश फूलने लग जाती हैं तो इनको भी बाहर निकाल लें। थोड़ी सी चिरौंजी ली हुई है 1 चम्मच के करीब, चिरौंजी को भी आप रोस्ट करके बाहर निकालें। इस तरीके से सारी ड्राई फ्रूट्स रोस्ट करके बाहर निकाल ली हैं। उसी घी में, गरम घी में ही हम सूजी को डाल देंगे। सूजी को घी में अच्छे से मिक्स करते हुए जाएं, फ्लेम को स्लो रखें और उसके साथ ही इसमें 2 चम्मच बेसन भी इसी में ऐड कर देंगे। अब हम सूजी और बेसन को घी के साथ अच्छे से भून लेंगे, स्लो गैस पर चलाते हुए बिल्कुल अच्छे से भून लें। जैसे ही ये भुनना शुरू स्टार्ट हो जाएगा, सूजी और अच्छे से भुनना स्टार्ट हो जाएगी तो घी जो है ऊपर की साइड आने लगेगा, जैसे बबल टाइप के आपको दिखाई दे रहे हैं, इस तरीके से बने लेंगे। जैसे ही हमारा सूजी और बेसन अच्छे से भुन करके रेडी होने लगेगा, वैसे उसमें एक बहुत ही अच्छी सी खुशबू आने लगेगी और घी भी डिस्चार्ज होने लगेगा और उसका कलर भी थोड़ा चेंज हो जाएगा। अब हमारी सूजी जो है भुन चुकी है, इसमें मैंने जो रोस्ट किए हुए बादाम और काजू थे थोड़े से उसमें से लेकर के इसमें ऐड कर दिए हैं, और थोड़ी सी किशमिश डाल दी है, थोड़ी सी चिरौनी डाल दी है और कद्दूकस किया हुआ थोड़ा सा नारियल भी इसमें ऐड कर दिया है, और थोड़ा थोड़ा मैंने बाद में गार्निशिंग के लिए भी बचा रखा है। अब इस सभी को डाल के अच्छे से और 1 से 2 मिनट के लिए रोस्ट कर लेंगे। अब इसमें जो कैरामलाइज वाला दूध बनाया था चीनी वाला, वो हम इसमें ऐड कर देंगे और इसको चलाते रहेंगे, अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब इसको जब तक चलाते हुए पकाएं, जब तक कि सूजी जो है दूध को पूरा अपने अंदर अच्छे से एब्जॉर्ब ना कर ले। बस देखिए, ये हमारा हलवा बन करके तैयार हो गया है, मखंडी हलवा रेडी है। इसका कलर और टेक्सचर, टेस्ट दोनों ही बहुत अच्छा आता है। अब ऊपर से थोड़ा सा आप घी डाल दीजिए और थोड़े से ड्राई फ्रूट से आप गार्निश कर लीजिए, फिर इसको आप सर्व कीजिए। इस हलवे में थोड़ा घी ज़्यादा लगता है, क्योंकि घी ज़्यादा होता है तभी इसका टेस्ट और भी ज़्यादा अच्छा आता है। तो बस आप इंजॉय कीजिए। मखंडी हलवा आपको कैसा लगा, आपको रेसिपी कैसी लगी? अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी है तो आप प्लीज़ लाइक कमेंट करें, एंड आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे कि मेरी हर रेसिपी की नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुँच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।